की है। हाँ तो गए हैं। गर्मी अम्मा को भी दे दे। अरे मैं तो इसलिए ले गया था कि कम से कम पढ़ लिख लेगा तो बड़ा अफसर बन जाएगा, लेकिन नहीं, ये तो उन्हीं से लड़ पड़े। हाँ। तुम्हें तो पता है ना मैं किस तरह से काम करता हूँ। हाँ।
हमें सबको एक साथ लाना होगा भक्ति। अभी भी कुछ लोग हैं जो हमारे साथ आना नहीं चाहते, वो कहते हैं कि हम अलग हैं, हम अलग हैं, हमको सबको एक साथ लाना होगा। हमें सबको एक साथ लाना ही होगा। जय जोहर, जय जोहर। पांडे जी आए, आपसे मिलना चाहते हैं। पांडे जी तो दिक्कत का स्वागत करूँ। और वैसे भी हम जो जंगल में बैठे हुए हैं, मैं अपनी दरवाजा है, मैं अपनी दरबार, ये सबका जंगल हम तो सबके लिए सब जगह मौजूद है। जय जोहर पांडे जी। अरे हाँ, आपको कौन नहीं जानता, आइए। वनवासियों की जितनी मदद आप करते हैं तो ये कौन करता है? ये तो मेरे कर्तव्य है बिरसा। आप सभी तो इस जंगल के असली मालिक हैं। आप यहाँ आए मुझे अच्छा लगा। आप चाहते तो मुझे वहां बुलवा सकते हो। मैं खुद ही आना चाहता था क्योंकि वहां शायद हम ठीक से बात नहीं कर पाते। रेलवे कुछ ज्यादा ही है वहां पर, ये चाहते हैं कि आंदोलन जल्द से जल्द खत्म हो जाए। सही कहा, दीवारों के काम ज्यादा खतरनाक, लेकिन हम यहाँ खुलकर बात कर सकते हैं। कहिए, तुम अंग्रेजों से वैसे ही लड़ना चाहते हो ना, तो मेरा मन है। मैं जानता हूँ कुछ लोग हमारे साथ नहीं आना चाहते, तुमसे बात करते तुम्हें समझा नहीं, शायद उनको तुमको कोई शंका है, इसलिए वो लोग हमारे साथ नहीं आना चाहते। आपको क्या लगता है पांडे, हम उन्हें ठीक से समझा नहीं पा रहे हैं या हमारे कोशिशों में कोई कमी? वनवासियों को लगता है कि तुम्हारी भी अंग्रेजों के ही कार्य हो, ये सब धोखावे के लिए कर रहे हैं। यदि तुम घंटा डेविड से वापस फिर का मुंडा बन जाते हो, शायद सभी लोग हमारे यहाँ पर बनते। पांडे जी, जब मुझे ये सब कहा गया था ना, मैं एक छोटा बच्चा था, मैं आगे पढ़ना चाहता था, लेकिन सेवा के नाम से, दया के नाम से, प्रेम के नाम से उन्होंने मुझे अपने जैसा बना लिया। मैं जानता हूं कि कोई धर्म बुरा नहीं होता, लेकिन किसी विशेष मकसद के लिए धर्म बदल लेना कहीं ना कहीं बुरा तो होता ही। मैं भी किसी धर्म को बुरा नहीं मानता, तो है उसमें क्या बुरा मानता, राय या उधर गई बात से क्या फर्क पड़ता, लेकिन बदमाशियों के मन में तो शंका होती है ना। मैं भी यही चाहता हूँ, तो वापस फिर सा मंडा बच जाए। ठीक, जय धरती आवा, जय धरती आवा, जय धरती आवा, भगवा राज दे जाना, महारानी राज टुनू जाना। कहा से आ सकते हैं सर, ये हमको रास्ता मालूम करने का जरूरत क्या है?
इस हिंदुस्तान में दोगला हिंदुस्तान ही रहता है जो हमारा दर्द चाहता है, उनमें से कोई न कोई हमको जरूर बताएगा सर। ना ना देखो मैं कुछ नहीं जानता, एक काम करो तुम इसको गिरफ्तार कर लो। अच्छा गिरफ्तार, और लेकिन किस जुर्म में? देखो गिरफ्तारी के लिए जुर्म होने जरूरी नहीं, ये हम तय करेंगे इसके अपराध क्या है। मैं बताऊंगा उसके अपराध क्या है, तो बताइए सर। देखो उसने बलात्कार किए हैं, लोगों को मारा है, लोगों को लूटा है। सर ये तो हमको याद ही नहीं आया कि हम वो सब कुछ कर सकता है जो हम चल रहा है। हाँ हम उसको मालूम पड़ेगा, वो अपने आप को आवा जाने लगा, बहुत कहने लगा था, लेकिन हम बताएंगे वो क्या है। इस जंगल में रहने वाले भिखारियों को हम उनको कहाँ याद दिलाएंगे, हम उनको इतना मारेंगे वो अपने नाम का भूल जाएंगे। काफी गरीब से गुजर गया। लेकिन
लेकिन सवाल सिर्फ लगान का नहीं है, जमीन का, जो हमारे समाज की, हमारे गांव की। ये जमीन किसी एक की नहीं है और ना ही कभी हो सकती है। ये जमीन मंगलू बदबू या गुर्खा की नहीं है, ये जमीन सारे गांव वालों की। ये जंगल हमारे हैं और इसके हर एक चीज पर हर वनवासी का अधिकार। किस बात का लगान दे हमें यह सोचना होगा। अंग्रेजों के गुलाम जमींदार उन्हीं की भाषा बोलते हैं, हमें उनसे लड़ना होगा। मैं जानता हूं हम उनसे सीधे सीधे नहीं लड़ सकते, इसलिए हमें उन्हें चारों तरफ से घेर कर लड़ना होगा। उससे भी जरूरी एक बात कि हम सबको एक होना होगा। हम कभी भूल गए कि हम गंगाल हैं, कोल हैं, लेगा हैं, हम सब वनवासी हैं। पर अच्छी बात यह कि अधिकतर लोग इस बात को जानते हैं। जब हमारे यहाँ हेचे का प्रकोप हुआ था, चेचक का प्रकोप हुआ था, तब सभी गांव वालों ने मिलकर सबकी सहायता की। आप लोग मुझे अपना आवा मानते हैं, देवता, पर मैं तो उस देवता का सूचक निमित्त हूँ। मैं जानता हूँ कि कौन सी जड़ी बूटी से क्या होता है। बस मैंने आप लोगों को वही दिया और अच्छी बात यह रही कि उससे अधिकतर लोग ठीक भी हो गए। आपको याद है जब हमारे अकाल पड़ा था, तब सभी गांव वालों ने मिलकर सबकी सहायता की थी। यही हमारी संस्कृति है, यही हमारी पद्धति है। यदि हम सब एक हो जाए तो हमें कोई नहीं हरा सकता। बस हम लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है। मैं आप लोगों से कुछ और बातें करना चाहता हूँ। कुछ काम है जो आप लोगों को करने, आप लोग करेंगे? करेंगे। तो फिर मुझे वचन दीजिए कि हम साफ सफाई का पूरा ध्यान रखेंगे, बिना नहाए भोजन नहीं करेंगे, देवताओं का पशु बलि नहीं देंगे, ढोंगी पूजा नहीं करेंगे, और इससे बड़ी बात कि हम अपनों से बड़ों का सम्मान करेंगे। करेंगे करेंगे। साथियों, अभी भी कुछ लोग हैं जो हमें अलग अलग बांटने में लगे हुए हैं, हमें इनसे सावधान रहना है। अब हमें लड़ने की जरूरत है, लड़ाई सीखने की जरूरत है। आप लोग सीखेंगे? हाँ सीखेंगे। तो चलिए, चाय भाषा के चारों थानों पर मिलकर हमला करना है। बोल गुलाल, बोल गुलाल, बोल गुलाल, बोल गुलाल। जिंदगी से ज्यादा हमारे लिए बिरसा की बहुत जरूरी है। चलो हम ये करते हैं।
जी मेरी गिरफ्तारी पर 500 रुपए का इनाम रख दिया है। अगर मैं चाहता हूँ हरशक्ति वो मैंने मैं गंदा चाहता हूँ हरशक्ति बिरसा मैंने। साथियों याद रखना बिरसा आज है कल नहीं होगा, लेकिन मैं आऊंगा, मैं जरूर आऊंगा, क्योंकि मैं केवल देह नहीं इस जंगल का पुश्तैनी दावेदार हूँ। शीशे की गोली ने रोक दिया सफर सांसों का, बचपन की आस का, बूढ़ों के सपनों का, मटमैली धरती हो गई गहरी काली भूरी, जमे है खून के थक्के चमकते चांदनी में। कहते हैं सफर तो रहेगा जारी, तब भी कितनी गोलियां होंगी तुम्हारे पास, कितनी निकल जाएंगी सीने में हमारी, लेकिन सफर तो रहेगा जारी, तब भी सफर तो रहेगा जारी, तब भी। उनकी टीस ने मेरे दिल को चीर दिया है। ये वो लोग थे जो मेरे लिए लड़ने को भी तैयार थे। उसी की वजह से सैकड़ों लोग मारे गए हैं, औरतें बच्चे बूढ़े सभी को रौंद डाला। मैंने देखा उनको तड़पते हुए, कैसे मरी हुई माँ के सीने पर बच्ची रो रही थी। मुझसे सह नहीं होता बरका, लेकिन मैं धरती माँ की कसम खाकर कहता हूँ मैं अपने हर व्यक्ति की मौत का पता मैं अंग्रेजों से लेकर रहूंगा। पर तुम्हें और अधिक सावधान रहना होगा, क्योंकि उन अंग्रेजों को तुम्हारे बारे में
सब कुछ मालूम हो गया। जाने दो मालूम। वो मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं, मेरा उल गुलाम तो नहीं। Listen to me. We will forgive you all the nonsense if you come back to us. No, I will not. We will destroy your family. I know. You can only destroy the family. Society you can take up. You can destroy our body, not the soul. I will come back again and again till you leave this land. Main aaunga, zarur aaunga. Aaya ki nahi? No, sir. Second pattern show. Thank you.
जय।